अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को रमजानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बहुत ही मुबारक महीना है और इबादत का महीना है। हमें अपने आप को इबादत के लिए तैयार करना है और बहुत ज्यादा हेल्दी रहने की फिक्र करना है। जब हेल्थ अच्छी होगी तभी इबादत में मजा आएगा। उसी से रिगार्डिंग आज का हमारा टॉपिक है कि जो मरीज ऐसे हैं जिनकी मेडिसिन शुरू है तो किस तरह डोज एडजस्ट करें, जो मेडिसिन का डोज है। तो दोस्तों, दवाएं होती है, किसी मरीज की एलोपैथिक मेडिसिन शुरू है, किसी की यूनानी मेडिसिन शुरू है ना। तो यूनानी मेडिसिन हम लोग हमेशा खाली पेट लेने बोलते हैं, या तो खाने से 1 घंटा पहले या तो खाने के 1 घंटे के बाद। ये मेरे मरीजों के लिए भी वीडियो है और तमाम लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं। और मेरे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनकी मेडिसिन रिसेंटली एलोपैथिक भी शुरू है और थोड़ी यूनानी मेडिसिन मैंने स्टार्ट की है ताकि आगे चलकर मेडिसिन फ्री लाइफ हो जाए। तो खाली पेट देने का मकसद ये रहता है कि मेडिसिन ज्यादा अच्छे से फायदा करे, जो हर्ब्स हम देते हैं। तो रमजान महीने में डोज हम इस तरह मेंटेन कर सकते हैं कि अगर हम खाना खाने के बाद की दवा देना चाह रहे हैं और खाली पेट लेना है ब्रेकफास्ट से पहले जैसे कोई दवा है, तो सहे अफ्तार से पहले तो ले नहीं सकते, है ना। अफ्तार में तो हमको खजूर ही लेना है, फ्रूट लेना है। तो हम अफ्तार करने के 1 घंटे के बाद हम मेडिसिन ले सकते हैं, यूनानी मेडिसिन, जो कि खाली पेट लेना है। 1-1.5 घंटे के बाद ले सकते हैं ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। और जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो अफ्तार करने के फौरन बाद आप ले लीजिए। और फिर एक डोज इस तरह मेंटेन हो गया। और जो दूसरा डोज है, कोई ऐसे लोग होते हैं जो रात का खाना भी खाते हैं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अफ्तारी के वक्त जो भी खा लिए बस वही उनके लिए काफी हो जाता है और खाना नहीं खाते। तरावी की नमाज पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं, कुरान वगैरह तिलावत करते हैं। तो जो लोग रात का खाना नहीं खाते उनके लिए बेहतर यही है कि बस एक ही डोज लिया जाए। और जो लोग रात का खाना खाते हैं और अगर 3 वक्त की दवा है और डोज मेंटेन करना है तो एक डोज खाने के बाद वाला 10 बजे या 10:30 बजे ले सकते हैं। और फिर ब्रेकफास्ट से पहले जो है, अगर हम सहरी के लिए जब उठते हैं, अगर 4 बजे उठे तो वो खाली पेट ले लिए, फिर नमाज की तैयारी, सहरी की तैयारी, ये सब करने में हमारा आधा घंटा हो जाता है और सहरी खाने में आधा घंटा 35 मिनट हो जाता है। फिर सहरी खाने के बाद कुछ भी नहीं लेना है हमें मेडिसिन, बस उठने के बाद खाली पेट वाली दवा ले लिए। और अगर किसी के एलोपैथिक मेडिसिन भी शुरू है तो वो सहरी खाने के फौरन बाद ले सकते हैं। इस तरह 2 टाइम में, और जिसकी ज्यादा मेडिसिन है रात के खाने के बाद, मतलब 10 बजे या 11 बजे, इस तरह 3 वक्त में आप डोज को मुतय्यन कीजिए। और अगर कोशिश ये कीजिए कि 2 ही दफा लिया जाए। आपको ये जो रमजानुल मुबारक का महीना है, ये इतना मुबारक महीना है, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा अपना जो खाने पीने की जो फूड हैबिट्स है उसको इतना ज्यादा मेंटेन रखना है कि मेडिसिन ना ही ले, जरूरी ही ना हो लेने के लिए। हाँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह के जो मरीज हैं उनको तो लेना है जो एलोपैथिक मेडिसिन पर है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आपको इस महीने में ही तबीयत अच्छी रहे आपकी, क्योंकि रोजा रखने से बजाते खुद ये एक इतनी बड़ी चीज है, रोजे के इतने फवायद हैं कि अगर आप अच्छे से रोजा रखेंगे और अच्छी इबादत, अच्छी नमाज, कुरान की तिलावत, पानी पीने का जो ये चीजें, लिक्विड चीजें आपको लेना है, ये सब चीज आप मेंटेन रखेंगे तो आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह, जजाकअल्लाह।